एवरीवन, माय नेम इज सुमन पटेल, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो लाइफ में आज पहली बार मैं फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रही हूँ, तो इसका स्टार्ट हम लोगों ने मंदिर के साथ किया और ये सुबह का नज़ारा आप लोग देख रहे होंगे। और ये वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा कि कब की वीडियो है। ये जो मंदिर देख रहे हो, पहले मैं गोमो में यहीं रहा करती थी, इसके पास में एक घर था और ये है गोमो का ओवरब्रिज। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि ये वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा कि ये कब की वीडियो है। तो उससे पहले मैं खुद ही बता देती हूँ, ये लास्ट ईयर नवंबर की वीडियो है जब ठंड स्टार्ट हो रही थी। और हम लोग जा रहे हैं राम मंदिर। धनबाद डिस्ट्रिक्ट के बरौरा पुलिस स्टेशन में पड़ता है, जो कतरास के आसपास है आई थिंक। और ये प्रॉपर जो जगह है वो है चिटाही धाम। और इस मंदिर का नाम है श्री श्री राम राज मंदिर। ये मंदिर रिसेंटली बना है, 3-4 साल पहले आई थिंक। बहुत खूबसूरत है, उसके बाहर का व्यू ऐसा कुछ है। हम लोग सुबह सुबह गए थे तो उतना भीड़ नहीं था। तो सबसे पहले हम लोग मंदिर पहुँचने के बाद प्रसाद लिए। ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने भगवान जी का दर्शन किया, जहाँ पे श्री राम और सीता मैया और लक्ष्मण जी हनुमान जी विराजमान थे। वहाँ पे हम लोग आरती सुने और पूजा किए। उसके बाद मैं मम्मी को बोली चलो मेरा भी वीडियो बना दो, तो मेरी मम्मी को ये क्रेडिट जाता है वीडियो बनाने का। फिर मैं भी पूजा की, उसके बाद वहाँ पर तिलक हुआ। इस मंदिर का मैं एक एक जगह कैप्चर करने का कोशिश की। ये देखो कितना प्यारा जगह लग रहा है ना ये। यहाँ पे मैं मम्मी को बोली चलो मैं यहाँ पे वॉक करूँगी, आप वीडियो बना देना। तो धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ हो रहा था, जिस वजह से मेरा वीडियो अच्छे से नहीं आ पा रहा था जिस तरह से मैं सोच रही थी, बट कोई नहीं। पूजा करने के बाद मैं मम्मी पापा और नानी एक साथ फ़ोटो खिंचवाए, जिसको देने में कैमरामैन को टाइम लगता, तो मैं सोची चलो घूम लिया जाए। तो मैं अच्छे से मंदिर में घूम रही थी, देख रही थी हर एक जगह को, इसकी खूबसूरती को। उसके बाद मैं और नानी मंदिर के दूसरे साइड पे गए, जहाँ पे नीचे जाने का रास्ता था। वहाँ से आपको तालाब दिख रहा था जहाँ पे वोटिंग होता है। बहुत अच्छा लोकेशन था वो, ये वाला लोकेशन मुझे बहुत पसंद आया। तो यहाँ पे मैं नानी और मम्मी का फ़ोटो क्लिक कर रही थी, और उसके बाद यहाँ पे मम्मी और नानी नीचे जा रही थी तो मैं वीडियो शूट कर रही थी। और ये देखो यहाँ का व्यू, वाओ, मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद मैं मम्मी को बोली चलो मम्मी मेरा यहाँ पे वीडियो बना दो, तो मम्मी बैक कैमरा से वीडियो बना रही थी, तो उनका हाथ चला गया था कैमरा के पास, बट कोई नहीं, वो इतना कर दी। मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर भी मुझे मज़ा आया इस वीडियो को देख के, कुछ अलग सा ही लग रहा था। धीरे धीरे धूप बढ़ते जा रहा था, जिस वजह से बहुत गर्मी लग रहा था और चिलचिलाती जैसा धूप फील हो रहा था यहाँ पर, देख लो।
उसके बाद तब तक फ़ोटो बन गया था। फिर हम लोग फ़ोटो फ्रेम वाले के पास गए, वो फ़ोटो बहुत अच्छा क्लिक किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे मम्मी, नानी, पापा तीनों मिलके फ़ोटो देख रहे थे, मैं वीडियो शूट कर रही थी। मम्मी बहुत खुश थी, मम्मी बोल रही चंदन लगा के बेकार कर दिया। बट मम्मी को बोली अरे मंदिर आए हैं तो चंदन तो लगेगा ही ना, और पता भी तो चलना चाहिए कि हाँ मंदिर गए थे। तो फाइनली हम लोग रामराज मंदिर का दर्शन करके रिटर्न हो रहे थे। मैं पहली बार अपनी फैमिली के साथ बाहर आई थी मंदिर घूमने, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और आप मेरे एक्सप्रेशन से समझ जा रहे होंगे कि मुझे कितनी खुशी हो रही थी। तो मम्मी बोली चलो हम लोग रामराज मंदिर का दर्शन कर ही लिए, तो पास में लिलोड़िया स्थान मंदिर भी है तो वहाँ भी चला जाए। देख रहे हो मेरे एक्सप्रेशन, खुशी ओवरलोड था। और मुझे बहुत खुशी हो रहा था क्योंकि नानी भी साथ में थी, तो इससे बढ़िया क्या ही मौका हो सकता था। और फाइनली अब हम लोग लिलोड़ी स्थान मंदिर आ गए थे। यहाँ पे ना सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। यहाँ पे मम्मी को देखो, यहाँ पे मुझे जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ की एक दादी भी मिल गई थी। तो मम्मी बोल रही थी आप मुझे पहचान रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन के बाद हम लोग मिले थे। फिर यहाँ से हम लोग प्रसाद लिए, जहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत फ़ोटो फ्रेम था भगवान जी का। और जो भी है आपको पता ही होगा मंदिर के बाहर में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो मम्मी प्रसाद ली। उसके बाद हम लोग गए मंदिर के तरफ भगवान जी का दर्शन करने के लिए। तो यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा था, देख रहे होगे यहाँ पे सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। मैं तो यहाँ पे दो तीन बार पहले भी आ चुकी थी, बट मम्मी पापा के साथ और नानी के साथ पहली बार यहाँ आई थी। तो मुझे ये मंदिर काफ़ी पसंद है, वैसे भी मुझे ना मंदिर जाना बहुत पसंद है। आप लोग मेरा ब्लॉग में देख चुके होगे, दो तीन वीडियो मंदिर का ही होगा। जब भी जहाँ भी जाती हूँ तो मंदिर ज़रूर जाती हूँ। सो फाइनली हम लोग लिलोड़ी माँ का भी दर्शन कर लिए। देख रहे हो यहाँ पे कितना भीड़ हो गया था लास्ट टाइम जाते जाते। उसके बाद मैं सोची कि चलो बाहर से मंदिर का आपको नज़ारा दिखाती हूँ, तो कुछ ऐसा है ये। यहाँ पे बहुत सुकून जैसा लग रहा था, पूरा शांत। एंड लास्टली मैं उस शॉप पे जा रही हूँ जहाँ से मैं प्रसाद ली थी। वहाँ पे बहुत सारा खूबसूरत मूर्ति था, तो उसमें से मैं एक दुर्गा माँ का मूर्ति ली जो मुझे काफ़ी पसंद आया। और ये मेरे रूम में है अभी भी, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। उसके बाद हम लोग हो रहे हैं रिटर्न अपने घर के लिए।
सो ये था हमारा आज का ब्लॉग जिसमें मैं आपको एक साथ दो दो मंदिर का दर्शन करवाई। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।